जनवरी को 468 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाने को लेकर के दरभंगा जिलाधिकारी लगातार विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज उन्होंने आज जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने एवं मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए दरभंगा समाहरणालय से हरी झंडी कर एक रथ रवाना किया और यह दरभंगा के विभिन्न गांव में चौक चौराहों पर जाकर नाटक। मुख्यमंत्री का जो महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन हरियाली अभियान, इसके तहत 19 जनवरी 11:30 बजे व्यापक मानव श्रृंखला का निर्माण करना है पूरा जिला में। 468 किलोमीटर का टारगेट लक्ष्य रखा गया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, लोगों के बीच में ये क्या अभियान है और क्यों ऐसा अभियान छेड़ा गया और इस अभियान में लोगों का भागीदारी क्यों आवश्यक है, इन सभी बिंदुओं पर जागरूक करने के लिए कला जत्था का आज रवैया कराया गया। ये गांव गांव घूमेगी, उन लोगों को भी हम लोगों ने एड्रेस किया है। भरोसा है कि ये लोग जा कर के लोगों को प्रेरित करेंगे। अन्य माध्यम से भी हम लोग कई जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन लगातार करेंगे ताकि हम आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि लोगों को इस अभियान और इस मानव श्रृंखला के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, जन जन तक ये मैसेज पहुँचे कि 19 जनवरी को 11:30 बजे मानव श्रृंखला का आयोजन होगा और इसमें काफ़ी संख्या में लोग भाग लेकर के जल जीवन हरियाली अभियान और अन्य मुद्दा जो सामाजिक परिवर्तन के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया है, नशा मुक्ति हो या बाल विवाह रोकथाम हो या आपका दहेज उन्मूलन हो, इन सभी अभियान का भी जोड़ करके, लेकिन मुख्य बिंदु आपका जल जीवन हरियाली अभियान, इसमें जलवायु परिवर्तन से जो एडवर्स इम्पैक्ट प्रतिकूल प्रभाव कई क्षेत्रों में पड़ रहा है उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए अभियान छेड़ा गया, इस पर जानकारी जन जन तक पहुंचाना चाहिए, ये मैं सभी जिलावासियों अपील करता हूँ। शिक्षा निदेशालय के तत्वाधान में आयोजित शिक्षा विभाग साक्षरता के कलाकार हम चाहेंगे कि सब लोग खड़े होकर अपने जिलाधिकारी का स्वागत करें ताली बजाकर। जो हम सबों का सौभाग्य है कि बिहार सरकार ने जो अपना